नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता विश्वकर्मा व्लॉग्स। मेरे चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए हेयर ऑयल का रिव्यू लेके आई हूँ, जो आपको स्टार्टिंग से ही पता चल गया होगा कि मैं कौन से हेयर ऑयल का रिव्यू लेके आई हूँ। तो ये मेरा पर्सनल रिव्यू है और मैं तकरीबन 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ इस ऑयल को। तो सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से इसका रिव्यू शेयर करूँ कि इस ऑयल का क्या बेनिफिट मुझे मिला है और क्या क्या बेनिफिट और मिल सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, जैसे कि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस ऑयल का रिव्यू आपको कैसे मिला है। फिलहाल मैं मेरा पर्सनल रिव्यू शेयर करने के लिए आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, पहले उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, बाद में मैंने आप लोगों के लिए इसे यूज करने का तरीका भी आप लोगों के लिए मैंने आगे शेयर किया है, तो वीडियो जरूर पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैं आप लोगों से हेयर ऑयल और शैम्पू दोनों का रिव्यू देने के लिए आई हूँ, दोनों चीजें मैं साथ में यूज कर रही हूँ। तो पहले हम ऑयल के बारे में जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि उसमें कौन सी चीजें यूज की गई है और कितने कितने कंटेंट्स यूज किए गए हैं उसमें और इसे यूज कैसे करना है, वो सारी चीजें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हाथ में इंदुलेखा ब्रिंगा ऑयल है, जो एन आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन से बना हुआ है। ये आयुर्वेदिक तरीके से ये बनाया गया है ये ऑयल, और इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स पीछे यहाँ पे बैक साइड में लिखे हुए हैं साइड के। तो जैसे कि इसमें आंवला, कुमारी, द्राक्षा और रीठा, नींबू, ये सारी चीज़ों का यूज़ किया गया है, और जैसे कि उनके क्या क्या पार्ट्स का यूज़ किया गया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे कि लीफ का, फ्रूट का, स्टेम का, उनकी जड़ों का कैसे यूज़ किया गया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, और उसके बगल में उसके ग्राम्स लिखे गए हैं कि कितने कितने ग्राम्स का कंटेंट्स यूज़ किया गया है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स के पार्ट से जो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखे गए हैं। और यहाँ पे जैसे कि ये एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे कि मैंने महाभृंगराज ऑयल का रिव्यू भी डाला था ऑन एंड ऑन का, तो ये सारी चीज़ें ना रेगुलर ऑयल नहीं है, वो आपको वीकली 3 टाइम्स यूज़ करना है, मिनिमम कम से कम 3 to 4 मंथ के लिए यूज़ करना है, तभी इसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे कि ये भी रेगुलर ऑयल नहीं है, जैसे कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसे वीकली 3 टाइम्स यूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि इंदुलेखा ब्रिंगा ऑयल इज़ नॉट ए रेगुलर हेयर ऑयल बट एन आयुर्वेदिक मेडिसिन, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन के रिकॉर्डेड बनाया गया है ये। तो इसे जैसे कि अगर हम यूज़ भी कर रहे हैं तो इसे आप लगा के भी छोड़ सकते हैं 2 दिन के लिए भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके हेयर पे, आपके स्कैल्प पे। अगर आपको, जैसे कि बहुत लोगों का ये भी सवाल होता है कि ये ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो दूसरा ऑयल कौन सा यूज़ कर सकते हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर आपको कोई 3 to 4 मंथ का अगर जैसे कि कोर्स बताया गया है ऑयल को भी लेके, तो फिलहाल वही ऑयल यूज़ कीजिए, अदरवाइज कोई दूसरा ऑयल मत यूज़ कीजिए। अगर आपके बालों में, आपके बाल काफ़ी झड़ रहे हैं, डैंड्रफ हो गया है, बाल पतले हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, तो आप ये ऑयल ज़रूर यूज़ कीजिएगा, खास करके हेयर फॉल के लिए तो बहुत ही बेनिफिट है। काफ़ी लोगों का गंजापन शुरू हो जाता है तो आप ये ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पर आपको पेशेंस रख के ही यूज़ करना है, क्योंकि 1 मंथ में आपको धीरे धीरे रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। एक बार में ही नहीं कि 1 मंथ में पूरा रिजल्ट आ जाएगा, आपको धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा हेयर ऑयल है ये भी, कुछ 100 ml में आता है और ये मुझे फ्री 432 में मिला है, इजली अवेलेबल होता है सब जगह, मार्केट में, मेडिकल पे, या फिर आप कहीं शॉपिंग सेंटर में भी जा रहे हैं तो आपको ये इजली वहाँ पे आराम से मिल जाता है। और ये नेचुरल तरीके से बनाया गया है, इसमें कोई भी कलर का यूज़ नहीं किया गया है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे।
तो आगे मैंने आप लोगों से शेयर किया है इस ऑयल को कैसे यूज़ करना है। और फिलहाल यही ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो यही ऑयल यूज़ कीजिए। अगर आप रेगुलर बाल धो रहे हैं तो उसको वन डे या फिर 2 डेज अपने बालों में भी रहने दे सकते हैं। जैसे कि लेडीज़ है तो लेडीज़ वीकली में 3 टाइम्स हेयर वॉश करती हैं, तो आप 3 टाइम इसे वन डे बिफोर, मतलब आप अगर नेक्स्ट डे अगर आपने हेयर वॉश कर रहे हैं तो एक दिन पहले ही आप रात को लगा के सो जाइए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा उसका। और जैसे कि जेंट्स हैं या फिर मैन हैं वो रेगुलर हेयर वॉश करते हैं तो दूसरा ऑयल मत यूज़ कीजिए। वन डे आप भी ऐसे स्टेबल रहने दीजिए। अगर आप रेगुलर हेयर वॉश कर रहे हैं तो एक दिन बिना तेल के भी आप रह सकते हैं, फिर नेक्स्ट डे वापस इसे यूज़ कीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं, पर अदर ऑयल बिल्कुल ही मत यूज़ कीजिएगा अगर आप ये इंदुलेखा यूज़ कर रहे हैं। और मैंने एक और ऑयल के बारे में डाला है, महाभृंगराज ऑयल है जो ऑन एंड ऑन ब्रांड का है, तो वो भी वीकली 3 टाइम ही यूज़ करना है, अदरवाइज कोई उसके साथ और ऑयल यूज़ मत कीजिए। तो ये ऑयल है, इस तरीके से बॉक्स में आता है और ये कुछ इस तरीके के कॉम सेट में आता है, आपको लगाने में भी इजी लगेगा लगाने के लिए। तो आगे मैंने आगे आप लोगों से लगाने में लगा के मैंने दिखाया है कि मैंने इसे कैसे यूज़ किया है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे भी वही जो बॉक्स पे लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें इस यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो चलिए अभी मैंने तो ऑयल का बता दिया है, तो जैसे कि मैं ऑयल के साथ शैम्पू भी ज़रूर बताती हूँ क्योंकि हमें रिजल्ट 100% मिलना चाहिए। इसके लिए जो हम लोग ऑयल यूज़ कर रहे हैं या तो उसी ब्रांड का आप शैम्पू यूज़ कीजिए, और मैं ऑयल के साथ शैम्पू ज़रूर बताती हूँ। तो जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ फिलहाल उसके बारे में रिव्यू देने आई हूँ। तो सेम इंदुलेखा का भृंगा हेयर क्लींजर है ये, मीन्स शैम्पू है ये। ये भी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी के थ्रू ऐसे ही बनाया गया है, मेडिसिन फॉर हेयर फॉल। मतलब जैसे कि अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप ज़रूर इस शैम्पू और ऑयल का यूज़ कीजिए 3 to 4 month के लिए। कंटिन्यू आप वीकली 3 टाइम्स यूज़ कीजिए, आपको रिजल्ट ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो सेम मुझे ऑयल भी 432 का मिला था और शैम्पू भी मुझे 432 का मिला है और ये कुछ 340 ml का है। और सेम यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें कंटेंट्स डाले गए हैं, भृंगा, आंवला, तुलसी, रीठा, शिकाकाई, रोजमेरी, ये सारी चीज़ों का यूज़ किया गया है। और उसके क्या क्या चीज़ें, कौन से पार्ट यूज़ किए गए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। और कितने ग्राम के लिए यूज़ किया गया है वो भी लिखा हुआ है। तो सेम है, अगर आप हेयर वॉश कर रहे हैं तो इसे थोड़ा टाइम के लिए स्टेबल रखिए आपके हेयर पे, शैम्पू को भी, तब भी आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि 30 सेकेंड या 20 सेकेंड आप स्टेबल ही रहने दीजिए तो ही आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। हाँ, अगर आप ये हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हैं और शैम्पू भी यूज़ कर रहे हैं तो 100% है कि आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। प्लीज़ अदर कुछ चीज़ें मत कीजिए कि ऑयल में यूज़ करूँगा शैम्पू अदर क्या ब्रांड का, तो बिल्कुल नहीं, आप सेट में इसको यूज़ कीजिए, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। और कंडीशनर मत यूज़ कीजिएगा अगर आप हेयर वॉश करने के बाद, बहुत लोग कंडीशनर यूज़ करते हैं, अगर आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके बाद आप कंडीशनर बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। तो सिंपल सा है हेयर ऑयल का और शैम्पू का आज मैं जो रिव्यू लेके आई हूँ। आई होप आपको मैंने पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी है कि इसे यूज़ कैसे करना है और कितने टाइम के लिए यूज़ करना है। और हेयर, जैसे कि हेयर फॉल होने के बहुत सारे रीजंस है, नींद पूरी ना होना, टेंशन ज़्यादा लेना, और जैसे कि ब्लड क्लीन ना होना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि हेयर फॉल के रीजंस बहुत सारे हैं। और ज़्यादा मेडिसिंस यूज़ करना, ज़्यादा अगर मेडिसिंस बहुत लोग खा रहे हैं तो उसके वजह से भी हेयर फॉल होते हैं। ज़्यादा पॉल्यूशन एरिया है तो उसके वजह से भी हेयर फॉल होते हैं हमारे। और जैसे कि आपके स्कैल्प्स क्लीन नहीं है तो उसके वजह से भी होते हैं, और हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के वजह से हेयर फॉल होते हैं। एक रीज़न नहीं है हेयर फॉल होने का, बहुत सारे रीजन से। और प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलना ये भी एक हेयर फॉल का इंट्रक्शंस है कि हमारे बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, उसके वजह से भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत लोगों के तो इतने हो रहे हैं कि मतलब पूरा क्लीन हो जा रहा है एरिया। तो प्लीज़ आप इसे हल्के में मत लीजिए, आप ये चीज़ें ज़रूर यूज़ कीजिए। आपको पेशेंस के साथ 2 या 3 4 महीना आप यूज़ कीजिए इसको, आपको ज़रूर इसका रिजल्ट देखने मिलेगा। और सेकेंड
बहुत लोगों का ये जैसे कि ये होता है कि मुझे ये हेयर ऑयल का रिजल्ट नहीं मिला है। तो देखिए, सबके बॉडी सेम नहीं होती है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, कि हमारी बॉडी हमारे चीजें क्या एक्सेप्ट कर रही है वो भी समझने में हमें टाइम लगता है। बट हम जब तक यूज नहीं करेंगे सारी चीजों को, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये मुझे ऑयल सुटेबल हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसी ऑन एंड ऑन में भी बहुत लोगों को रिजल्ट आया है, बहुत लोगों को नहीं है। तो सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है, बहुत लोगों को इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा और बहुत लोगों को भी नहीं मिलेगा, ये भी हो सकता है। तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इसका रिजल्ट कैसे मिला है। तो वीडियो मैंने आगे आप लोगों से लगा के भी हेयर ऑयल को शेयर किया है, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं लगाना। तो ये ऑयल मैंने नाइट में मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, जैसे कि मुझे नेक्स्ट डे हेयर वॉश करना है तब मैं यूज़ करती हूँ। तो एक दिन पहले ही रात को मैं यूज़ करती हूँ, नेक्स्ट डे वॉश हेयर कर लेती हूँ अपने। तो ये इस तरीके से आता है कॉम सेट में, और इस तरीके से कैप आता है, तो आप इजली आप आराम से लगा सकते हैं। तो या तो आप हेयर को कोम कर लीजिए, या फिर ये कोम है, इससे इजली आराम से हेयर पे लग जाते हैं, हमारे जड़ों पे आराम से लग जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जड़ों पे लगाना बहुत ज़रूरी है इस ऑयल को। तो इस तरीके से हम पूरे जड़ों पे अच्छे से लगा लेंगे। हाँ, और इसकी कोई एज लिमिट नहीं है कि यहाँ इतने एज से स्टार्ट करना है, पर आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके बच्चों के भी बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, खास करके गर्ल्स के, तो आप 12 साल के बाद के बच्चों को आप यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक तरीके से बनाया गया है। तो इस तरीके से ऑयल को हम लगा लेंगे, और ऑयल को लगाने के बाद मसाज बहुत ज़रूरी है बालों को और जड़ों के लिए, क्योंकि उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। तो मसाज करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैं पूरे बालों पर मैं लगा लूँगी। और इस ऑयल की जो खुशबू है ना, काफ़ी धीमी है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है कि हमें हेडेक हो जाए। काफ़ी अच्छी खुशबू है इस ऑयल की, और शैम्पू की भी सेम मतलब एकदम ही माइल्ड खुशबू है, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस जैसे कि इसके स्मेल से या फिर इसकी खुशबू से। तो पूरा बालों पे और जड़ों पे आगे के जो पार्ट्स हैं वहाँ पे लगा के हो चुका है। तो बालों, अगर आपके दो मुहे बाल भी आ रहे हैं और बाल नहीं बढ़ रहे हैं, तो पूरे बालों पे ज़रूर लगाइएगा इस तरीके से, ताकि जो दो मुहे बाल की समस्या है वो भी दूर हो जाए, और हमारे बाल जो ड्राई हो चुके हैं उसे भी नमी मिल जाए, क्योंकि हेयर का खाना ऑयली होता है। तो इससे लिए अच्छे से ऑयल को ज़रूर यूज़ कीजिए, अगर आप एक दिन पहले लगाते हैं तो, वॉश करने के एक दिन पहले लगाते हैं तो। तो अभी इस तरीके से अच्छे से बाल को बांध लेंगे, क्योंकि पूरे बालों पे मैंने अच्छे से लगा लिया है ऑयल को। तो इस तरीके से बांध लेंगे और नाइट के लिए हम छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट डे हम अपना शैम्पू यूज़ करेंगे। कंडीशनर बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा, जो इंदुलेखा शैम्पू है वही हम यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आपको इस दोनों जैसे ऑयल का और शैम्पू का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है जो ज़रूरी थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरा समझ में आ गया होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और पूरा अच्छे से समझ में आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। सो बाय, टेक केयर।